नहीं देखिए, मैच तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे होते हैं, कांटेदार होते हैं, बट जो विकेट है इसके बारे में जो है थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि बड़ी टीम को जब मैच हो इंडिया पाकिस्तान के तो विकेट अच्छा होना चाहिए। अब देखते हैं कि आईसीसी ने कैसा विकेट प्रिपेयर किया है। जो लास्ट मैचेस हुए हैं वहां पे तो इतना अच्छा उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, बट आज के हो सकता है कि आज मैच में थोड़ा सा बेहतर हो विकेट। सर, बॉलर की बात करें, कौन सा बॉलर आज हाथ फेर पाएगा विकेट पे? देखिए ये वो 2020 क्रिकेट है, ये इसमें हर बॉलर की जो है कंट्रीब्यूशन होती है, चाहे हर्षदीप हो, चाहे जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज और जो भी कुलदीप यादव जो भी है, हम रविंद्र जडेजा, देखिए अगर मिलकर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो तभी आप एक बड़े बड़ा मैच जीत सकते हैं। पिच के लेकर भी काफी खबरें चल रही है कि पिच जो है जो फर्स्ट बैटिंग है वो दिखती है, तो ऐसे में क्या टारगेट होना चाहिए जिससे? देखिए ऐसी विकेटों पे टारगेट सेट नहीं किए जाते, सिचुएशन देखी जाती है। अगर सिचुएशन में अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया, फिर भी आपको आपको स्कोरबोर्ड की तरफ ध्यान देकर ही मैच जो है खेलना पड़ेगा, क्योंकि 170-180 स्कोर जो है हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है कि अच्छा स्कोर हो, बट कुछ नहीं कर, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग जो अटैक जो है बहुत ही बेहतरीन अटैक है, तो अगर विकेट जो पिछले मैचों में देखा गया अगर वैसा निकला तो फिर इतने रन बनने बड़े मुश्किल होंगे। ऐसी टीम जो है पाकिस्तान जा रही है, कितनी मजबूत दिख रही है इंडिया के सामने पाकिस्तान की टीम? नहीं देखिए 2020 का प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान भी एक अच्छी टीम है, आज का दिन है, कौन अच्छा खेलता है वो देखने वाली बात है, पर अगर तुलना तुलना की जाए तो इंडिया काफी बेहतर टीम है, अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, और मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। टीम इंडिया के लिए क्या करेंगे सर? हाँ जी, टीम इंडिया के लिए क्या करेंगे आज? टीम इंडिया के लिए यही एक बात कहूंगा कि आप जीतें और क्वालिफाई करें, बड़ा जरूरी है लास्ट एट में आना, और अपना जो है आपका जो प्रोसेस है वो ठीक होना चाहिए, और मैच को क्रिटिकल पोजीशन जब सिचुएशन आती है उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी रहता है।